रात के 12:30 बज रहे थे। कोल्हापुर में धाराशिव जाने वाली सीनियर कॉलेज के छात्रों की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। ट्रिप खत्म करके वे वापस धाराशिव आ रहे थे। दिन भर मौज मस्ती करने की वजह से सभी छात्र थक कर सो गए थे। दरवाजे की सीट के पास विकास सर और सुशील सर खर्राटे ले रहे थे। बस ड्राइवर विजय मामा भी नींद में बस चला रहे थे। उनके बगल वाली सीट पर पीयून पांडु मामा बैठे हुए थे कि तभी बस के सामने जंगली सुअरों का झुंड आया। विजय मामा ने बस जंगल में रोक दी। कुछ देर में जब रास्ता खाली हुआ तो बस फिर से चलने लगी। कुछ ही देर में विकास सर के पीछे ही दूसरी सीट पर बैठा श्याम नींद से जाग गया। श्याम की उम्र 21 साल थी, पढ़ाई में बहुत तेज था लेकिन हमेशा अकेला रहने वाला, ना किसी से बनती थी ना ही उसका कोई दोस्त था। वह दूसरी सीट पर अकेला बैठा हुआ था। सर टॉयलेट जाना है। सर ने आधी आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखा। बस अभी भी जंगल में ही थी। थोड़ी देर बैठ जाओ, जब जंगल खत्म होगा तब मुझे उठा दो, मैं बस रोक दूंगा, वे बोले और फिर आंखें बंद कर सो गए। शाम बस की खिड़की से बाहर देखने लगा और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जंगल खत्म हुआ और बस वीरान जगह पर आ गई। उसने विकास सर को जगा दिया और उन्होंने ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा। जैसे ही बस रुकी विकास सर बोले, किसी को टॉयलेट होना है तो अभी उतर जाओ वरना बस सीधे धराशिव जाकर ही रुकेगी। आवाज सुनकर पिछली सीट पर बैठा श्रीकांत नींद से जाग गया। विकास सर टॉर्च लेकर पहले बस से बाहर उतर गए। उनके पीछे पीछे श्याम और श्रीकांत भी उतरे और वो दोनों अलग अलग झाड़ी के पीछे टॉयलेट करने गए। श्याम टॉयलेट करके वापस आया लेकिन श्रीकांत अभी भी नहीं आया था कि तभी श्रीकांत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर विकास सर और श्याम उसकी ओर भागे लेकिन तभी श्रीकांत झाड़ी से बाहर आया। क्या हुआ, क्यों चिल्लाए थे? कुछ नहीं सर, चप्पल से होकर कांटा पैर में चुभा। उसकी आवाज सुनकर ड्राइवर और पियून भी नीचे उतरे थे। वह सब बस में वापस चढ़ने ही वाले थे कि तभी एक बाइक बस के सामने आकर रुक गई। अरे भाई साहब, यहाँ के नहीं हो क्या आप? क्या आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर लोगों को हमेशा चकवा लगता है, बाइक चलाने वाला बोला। चकवा नाम सुनकर विकास सर बोले, हाँ पता है हम बस निकल ही रहे हैं। और वो सब बस में बैठ गए। सर वो आदमी किस चकवे के बारे में बात कर रहा था? पियून ने अगली सीट से ही मुड़कर विकास सर से पूछा। हिंदी में चकवा मतलब छलावा, छलावा मतलब भूत। कहते हैं जो लोग रात में सफर करते हुए मरते हैं उनकी आत्मा छलावा बन जाती है। छलावा रात को सफर करते हुए यात्रियों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने ही नहीं देता। वो बस उन्हें उसी जगह पर घुमाते रहता है। कितना भी भाग लो या फिर गाड़ी तेज भगाओ, आप उसी जगह पर आ पहुंच जाओगे जहां आपको छलावा ने पकड़ लिया था। या फिर वो लोग रास्ते से भटक जाएंगे और उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर छलावा उन्हें ले जाना चाहता है, विकास सर ने बताया। इसके बाद ड्राइवर बोला, और यात्री रात भर उसी जगह पर बार बार घूमते हैं। वो तब तक रास्ता भटकते हैं जब तक सूरज ना उगे। जैसे ही सूरज उगता है उनकी ताकत कम हो जाती है। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं, उनको भी छलावे ने पकड़ लिया था। कहते हैं छलावा बस उन्हीं यात्रियों को पकड़ता है जो थके हुए होते हैं, क्योंकि उन पर हावी होना बहुत आसान होता है ना। फिर तो छलावा बहुत ही खतरनाक है, पियून घबराते हुए बोला। अरे कुछ खतरनाक वतरनाक नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। ड्राइवर जब थक जाता है तो रात में उसे रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे भ्रम हो जाते हैं और वो रास्ता भटकता है। इसे ही अनपढ़ लोगों ने भूत यानी चकवा या छलावा का नाम दिया है, विकास सर बोले। ये सभी बातें श्याम और श्रीकांत सुन रहे थे। नहीं सर, छलावे होते हैं और कुछ छलावे तो जानलेवा भी होते हैं। मेरे दादाजी को छलावे ने इतना परेशान किया था कि मरते मरते बचे थे। रात को जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ एक्सीडेंट छलावे के कारण ही होते हैं। वो रात के बेरहम शिकार होते हैं। यात्रियों की थकान और डर ही उनकी ताकत होती है। शिकारियों की तरह ही वे यात्रियों को डराते हैं, भगाते हैं और उनकी जान लेकर उनका शिकार करते हैं। हमें बस इतना पता चलता है कि कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है, लेकिन मौत का कारण छलावा ही होता है सर, श्याम ने डरावनी आवाज में कहा। सर इस का कुछ मत सुनो, इसकी बुआ राइटर है, उन्हीं से सुनी होंगी ये बातें। और राइटर लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना, उसी से तो उनका घर चलता है, पिछली सीट पर बैठे श्रीकांत ने कहा। श्रीकांत चुप हो जाओ और सो जाओ, उन्होंने डांटते हुए कहा। और उसके बाद सभी लोगों ने आंखें बंद कर ली और सो गए। कुछ समय बीता, शाम अभी भी जाग रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था।
बस किसी जंगल के बीचों बीच से गुजर रही थी कि तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बंद पड़ी चाय की टपरी है। लेकिन ये चाय की टपरी तो मैंने पीछे भी पहले वाले जंगल में देखी थी, वह मन ही मन बोला और खिड़की के बाहर देखने लगा। तब उसे पता चला कि वो तो वही जंगल है जो वीरान जगह से पहले आया था। वह भागते हुए ड्राइवर के पास गया। विजय मामा नींद में बस चला रहे थे, बीच बीच में आंखें झपका रहे थे। विजय मामा, बस कौन से जंगल में है? होगी किसी जंगल में, रास्ते में जंगल कम है क्या? नहीं मामा, हम वापस उसी जंगल में पहुंच गए हैं जहां पर बस के सामने जंगली सुअर आ गए थे। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ तो गलतफहमी हो रही है, वह जंगल तो कब का पीछे छूट गया है ना। उनकी बहस सुनकर विकास सर नींद से जाग गए। क्या हुआ श्याम? सर, हमें छलावा लग चुका है, उसने हमें पकड़ लिया है क्योंकि बस वापस उसी जंगल में आई है जहां से पहले गुजरी थी। लेकिन विकास सर भी ड्राइवर की तरह उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो बाहर देखो, अभी कुछ देर रास्ते के किनारे एक ट्रक दिखाई देगा जो एक्सीडेंट में पलटी हो चुका है। और कुछ ही देर में रास्ते के किनारे सभी को पलटी हुई ट्रक दिखाई दी। ये देखकर सभी हैरान हो गए थे। ड्राइवर ने भी मान लिया कि श्याम सच बोल रहा है कि तभी जंगल खत्म हो गया और बस वही सुनसान वीरान जगह पर पहुंच गई जहां पर वो कुछ देर पहले टॉयलेट करने के लिए रोक दी गई थी। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। विकास सर की तो बत्ती ही गोल हो गई थी। श्रीकांत पिछले सीट से आगे आ चुका था। सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। बस अभी भी रास्ते पर चल रही थी कि तभी वो फिर से वापस वही जंगल में पहुंच गई। वह सभी जान गए कि उन्हें छलावा ने पकड़ लिया है। ड्राइवर कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं ये देख रहा था, लेकिन फिर भी बस वापस उसी जंगल में आ जाती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया में बस वही एक रास्ता है जो घूम फिर कर उसी जंगल में ले आता है। सर, अभी इस छलावे से कैसे निकले? मैंने सुना है कि छलावे से बाहर तभी निकल सकते हैं जब सुबह हो जाए। इसका मतलब हमें रात भर इसी सड़क से गुजरना होगा, जंगल से वीराने में और वीराने से जंगल में। क्यों ना हम सुबह होने का इंतजार करते हुए उसी वीरान जगह पर रुक जाए, ड्राइवर बस चलाते हुए बोला। लेकिन शायद मैंने सुना है कि छलावे में रुकना ठीक बात नहीं है। नहीं सर, मेरी बुआ ने बताया था कि अगर सेफ जगह मिल जाए तो रुकने में कोई परेशानी नहीं है। बस इतना ही पता है तुम्हें, और कोई तरीका नहीं है क्या? है, लेकिन वो अभी के लिए नहीं है। और वैसे भी अगर जिस छलावे ने हमें पकड़ा है अगर वो कमजोर हुआ तो उसकी शक्तियाँ कुछ ही देर में कमजोर हो जाएंगी और हम छलावे से छूट जाएंगे, फिर वो छलावा हमें नहीं पकड़ सकता। इन सभी की बातें सुनकर सोए हुए सुशील सर जाग गए। अरे क्या हुआ, आ गया क्या मेरा बोरगांव? सुशील सर उबासी लेते हुए बोले। तभी सभी ने उन्हें घटी हुई घटना बता दी। यह सुनकर सुशील सर के तो मानो होश ही उड़ गए। लेकिन तभी ड्राइवर जोर से चिल्लाया, सर आगे एक गांव आया है। यह सुनकर सभी लोग ड्राइवर की तरफ भागे। तब उन्हें रास्ते के किनारे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, बोरगांव में आपका स्वागत है। यह देख सुशील सर जोर से चिल्लाए, ये तो मेरा गांव है, लेकिन हम यहाँ इतने जल्दी कैसे पहुँचे? हमें तो कोल्हापुर से निकले मुश्किल से 2 घंटे हो गए हैं और मेरा गांव कोल्हापुर से 6-7 घंटे की दूरी पर। ये आपका गांव नहीं है सर, छलावा है। आपके मुंह से बोरगांव का नाम सुनकर छलावा हमें बोरगांव दिखाकर गुमराह कर रहा है। लेकिन अच्छा हुआ बोरगांव आ गया, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर सुरक्षित जगह ढूंढकर छिप जाना चाहिए। और सुशील सर के घर से ज्यादा सुरक्षित किसका घर हो सकता है? लेकिन सर, छलावे में एक जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, और छलावा खुद में ही खतरा है, वो खुद में सुरक्षित जगह कैसे रख सकता है? तुझे मेरे से ज्यादा पता है क्या? बचपन से मैं भूतों के बारे में सुनते और पढ़ते आया हूँ। तू तय रहा विजय मामा, बस सुशील सर के घर की तरफ ले चलो। सुशील सर ने ड्राइवर को अपने घर का रास्ता दिखाया, लेकिन तभी उन्हें उनके गली में लोगों की भीड़ दिखाई दी। बस आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने बस दूर ही खड़ी कर दी। भीड़ में खड़े लोग जोर जोर से रो रहे थे और भीड़ का रुख सुशील सर के घर की तरफ ही था। भीड़ के रोने की आवाज सुनकर वे सभी लोग डर गए। सुशील सर बस से उतरे और भीड़ में घुस गए। उनके पीछे पीछे सभी भीड़ में घुस गए। वह सभी भीड़ को चीरते हुए सुशील सर के घर के सामने जा पहुंचे और आगे का नजारा देख उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि जमीन पर खून से लथपथ 4 लाशें पड़ी हुई थी। और वो लाशें थी सुशील सर के बीवी बच्चे की और उनके माता पिता की। उन सभी की किसी धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी गई थी। खुद के परिवार की लाशें देखकर सुशील सर का दिल सहम गया और वो रो पड़े। ये क्या हो गया,
किसने मारा उन्हें? उन्होंने रोते हुए एक आंख वाले बूढ़े आदमी से पूछा, आज तुम्हारे बीवी ने चाकू से तुम्हारे बच्चे का और तुम्हारे माता पिता का गला चीर कर उन्हें मार डाला और फिर खुद का गला काट कर खुदकुशी कर ली। क्या? लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? अरे तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया होगा, वरना वो तो बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान थी। क्या? शादी के इतने सालों बाद भी मैंने उसे कभी रुलाया नहीं है और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। ये लो चाकू और अपनी जान देकर अपने गुनाह का प्रायश्चित कर लो। वैसे भी तुम अकेले इस दुनिया में जी कर क्या करोगे? खुद की जान दे दो, वरना उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। न जाने सुशील सर को क्या हुआ, वो उस आदमी की बातों में आ गए। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बातों से वश में आ गए थे। उन्होंने वो चाकू अपने हाथ में लिया और रोते हुए बोले, हाँ, मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं अपनी जान दूंगा। वैसे पास खड़े ड्राइवर ने उन्हें रोका, अरे सर, ये आप क्या कर रहे हो? ये सब छलावा है, आपका परिवार नहीं है, आपका परिवार घर पर सुरक्षित है। तभी एक आंख वाला आदमी बोला, ए, तूने अगर एक लफ्ज भी आगे कहा तो तुम्हें पकड़कर गांव के बीचों बीच सूली पे चढ़वा देंगे। ये सुनकर ड्राइवर डर गया और चुप बैठ गया। सुशील सर ने जमीन पर बैठकर चाकू की धार अपने गले पर रखी। सर, ऐसा मत करिए, ये सब कुछ छलावा है, इसके चंगुल में मत फंसिए सर। लेकिन फिर भी सर होश में नहीं आ रहे थे, इसलिए प्यून ने गुस्से में आकर उनको चांटा मारा। तब जाकर वो होश में आ गए और उन्होंने चाकू नीचे फेंक दिया। ये देख एक आंख वाला आदमी गुस्सा हो गया, भाइयों, इन लोगों को भीड़ से बाहर निकाल दो, इन्हें हम बाद में देखेंगे, पहले इस सुशील के बच्चे को पकड़ लो। ये सुनकर भीड़ में खड़े लोगों ने सभी को भीड़ से बाहर कर दिया। श्रीकांत, विकास सर, प्यून और ड्राइवर भीड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर घुस नहीं पा रहे थे। सुशील सर के हाथ पैर बांधकर उन्हें जमीन पर बिठाया गया। सुशील सर अपनी जान की भीख मांग रहे थे, मुझे कोई बचाओ, विकास सर, पांडु मामा, मुझे प्लीज बचाओ, मुझे बचाओ, वो चिल्ला रहे थे कि तभी एक आंख वाले आदमी ने चाकू से सुशील सर का गला काटा और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। उसने उनका सर हाथ में पकड़ा और भीड़ के बाहर हवा में फेंक दिया। वो सीधे श्रीकांत और श्याम के सामने आ गिरा। वो दोनों चीखे। तब एक आंख वाला आदमी बोला, भाइयों, इन शहरी लोगों ने सुशील को बचाने की जरूरत की है, उन्हें भी पकड़कर उनका गला काट दो। वैसे भीड़ में खड़े लोग इन सब लोगों की तरफ मुड़े, वो गुस्से से इनकी तरफ देख रहे थे। तभी उन्हें बस के हॉर्न की आवाज आई, जल्दी से भागो, जल्दी करो। कुछ ही दूर बस में बैठे ड्राइवर मामा चिल्लाए। उनकी आवाज सुनते ही श्याम, श्रीकांत, विकास सर और प्यून बस की तरफ भागे। भीड़ उनका पीछा कर रही थी। ये सभी लोग जैसे तैसे बस में चढ़ गए। गांव वालों ने बस पर पथराव किया। बस के कांच टूटकर बच्चों के शरीर में उसके टुकड़े घुस गए, लेकिन उसमें से कोई भी नींद से जागा नहीं था, क्योंकि वो सब छलावे के प्रभाव से मोहित होकर सो गए थे। श्याम, विकास सर और श्रीकांत के शरीर में भी कांच के टुकड़े घुस गए थे। कुछ लोग बस के सामने खड़े होकर रोड से बस को तोड़ रहे थे कि तभी ड्राइवर ने उन पर बस चढ़ा दी और बस वहां से चल पड़ी। जैसे तैसे बस गांव से बाहर आ गई। हर कोई अपने शरीर से कांच के टुकड़े निकालने में लगा हुआ था। श्रीकांत अपने हाथ में घुसा कांच का टुकड़ा निकाल रहा था कि तभी प्यून वहां पर आया। भतीजे, रुक, मैं निकालता हूँ, वो बोला, क्योंकि श्रीकांत उनकी बहन का बेटा था। बस फिर से वापस जंगल में आ गई थी। ना जाने कब वो छलावा उन्हें अपने गिरफ्त से छोड़ने वाला था। सुशील सर की अभी अभी मौत हो चुकी थी। हर कोई घबराया हुआ था। श्याम, अब बताओ हम क्या करें? अरे इसे क्या पूछना है, इसकी वजह से आज सुशील सर की जान चली गई है और हम सब मरते मरते बचे हैं। चुप हो जाओ, हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद अपने भावना को रोक नहीं सके और इसीलिए मारे गए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, श्याम सफाई देते हुए बोला। लेकिन अब हम क्या करें? हमें बस सुबह होने का इंतजार करना होगा और बिना कहीं रुके बस चलाते रहना होगा। अरे लेकिन बस में इतना डीजल भी नहीं है कि सुबह होने तक चले। अगर बस का डीजल सुबह से पहले खत्म हो गया तो हम इस छलावे का शिकार हो जाएंगे। ये भी है,
ये छलावा तो मेरे सोच से ज्यादा ताकतवर निकला। आज अमावस्या है, शायद ये अमावस छलावा है। बुआ कहती थी कि छलावे के बहुत से प्रकार हैं, जिससे सबसे खतरनाक अमावस छलावा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अमावस की रात शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। इसे अकेले दो या तीन लोगों की शिकार करना पसंद नहीं है। जहाँ पर यात्री बहुत सारी संख्या में होते हैं, बस उन्हीं पर यह छलावा हावी हो जाता है। वह सबसे पहले सबसे ज्यादा कमजोर और सफर में थके हुए इंसान को ढूंढता है, उन्हें डर दिखाता है, और जब उसकी डर से मौत हो जाती है तो उसके शरीर पर कब्जा करता है और बाकी यात्रियों के बीच में रहकर उन्हें गुमराह करता है। उन्हीं छलावे में बस घूमता रहता है, और जब सभी यात्री थक जाते हैं तब उनका शिकार करता है। और मेरे हिसाब से हम जिस छलावे के चंगुल में फंसे हैं, वो अमावस छलावा ही है, और वो अभी हमारे बीच में ही है। श्याम डरावनी आवाज में बोला। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम इस छलावे से बाहर कैसे निकले, ड्राइवर ने पूछा। इस पर श्याम ने कहा, अब केवल एक ही उपाय है, लेकिन इसमें खून बहने के चांसेस है। क्या है वो उपाय? छलावा अभी भी हमारे बीच किसी मृत शरीर पर कब्जा करके बैठा है। हमें उसे ढूंढना होगा और उसे मारना होगा, क्योंकि उसकी आत्मा मृत शरीर से ज्यादा मजबूती से चिपकी नहीं होती। जैसे ही हम उसको मारेंगे, उसकी आत्मा मृत शरीर छोड़ देगी, और फिर वो किसी मृत शरीर में घुस नहीं सकेगी, क्योंकि एक अमावस छलावा एक रात सिर्फ एक ही मृत शरीर पर कब्जा कर सकता है। लेकिन हमें से ये छलावा है कौन? वो पीछे सोए हुए स्टूडेंट के शरीर में नहीं है, क्योंकि वो होश में नहीं है। वो हम पांचों में से एक है। क्या? लेकिन हम सब तो जिंदा है। नहीं, हम में से एक पहले ही मर चुका है। उसे छलावे ने मार डाला है और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद मृत शरीर बिल्कुल एक जिंदा आदमी लगता है, क्योंकि छलावा अपने ताकत से जिंदा इंसान की नकल करता है। लेकिन वो है कौन? वैसे श्याम गंभीर हो गया और उसने श्रीकांत की ओर देखा। बस अभी भी जंगल के रास्ते चल रही थी। ड्राइवर बस चलाते चलाते पीछे हो रही बातचीत सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर बस रुकी तो छलावा उसे निगल जाएगा। बस में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई श्याम के मुंह से छलावे का नाम सुनना चाहता था कि तभी श्याम बोला, ये श्रीकांत ही छलावा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? माना कि तुम्हारी बुआ ने बहुत सारी भूतों की किताबें लिखी है, उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम सुनते रहेंगे? मेरा विश्वास करो सब, श्रीकांत ही छलावा है। जब ये वीरान जगह पर झाड़ी के पीछे गया था, तब मैंने इसे किसी साय की ओर घूरते हुए देखा था। जब मैं देखने के लिए आगे बढ़ा, तभी मेरी चप्पल में कांटा चुभने की वजह से मेरी चीख निकल गई और वो साया वहाँ से गायब हो गया। शायद तभी उसने श्रीकांत को पकड़ा होगा और उसके शरीर पर कब्जा किया होगा। चल जल्दी से इसे मार डालो, वरना ये भाग जाएगा। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए, लेकिन उसकी बात में कुछ तो वजन था। ए श्याम, जबान संभाल कर बात कर, भतीजा है ये मेरा, अगर इसको किसी ने हाथ भी लगाया तो मार डालूंगा। हाँ, प्यून गुस्से में बोला। सर जी, इस पांडू की मत सुनिए, मुझे भी लगता है कि यही छलावा है, क्योंकि हम सभी ने झाड़ी से आती श्याम की चीख सुनी थी। श्याम बिल्कुल सच कह रहा है, ड्राइवर बस चलाते हुए बोला। अरे शक की सुई तो इस श्याम पर भी है, यह भी तो झाड़ी के पीछे गया था और दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से यह विकास हम दोनों की नजर से दूर था, शायद इसे ही छलावे ने बस के नीचे खींच लिया और वहीं मार डाला। तो ये दोनों क्यों नहीं हो सकते छलावा? प्यून ने कहा। अरे मैं जिंदा हूँ, मैं छलावा नहीं हो सकता, श्याम ने कहा। हाँ हाँ, और ये श्याम हमारी कब से मदद कर रहा है? ये छलावा होता तो हमारी मदद क्यों करता? अब बचे तुम तो ड्राइवर के बाजू में ही थे, इसलिए ये श्रीकांत ही छलावा है, विकास सर जोर से बोले। अरे सर, इस पे उनको छोड़ो, अब सीट के नीचे से रॉड निकालो और उस छलावे का सर फोड़ कर मार डालो, ड्राइवर बस चलाते हुए बोला। ये सुनकर श्रीकांत डर के मारे पे उनके पीछे छिप गया। विकास सर ने सीट के नीचे से लोहे की रॉड निकाली। प्यून ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन विकास सर ने उन्हें धक्का मारा और रॉड श्रीकांत के सर पर मारी, लेकिन श्रीकांत वहां से हट गया और नीचे गिर गया। वो रॉड से दूसरा हमला करते कि तभी प्यून ने पीछे से रॉड पकड़ी और विकास सर के हाथों से रॉड खींचकर उन्हें खिड़की पर धकेल दिया और उनके सर में रॉड दे मारा। विकास सर हाथों से सिर पकड़कर वहीं तड़पते रह गए। उनके सर से खून निकल रहा था और कुछ ही देर में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ये देख श्याम चिल्लाया, विजय मामा जल्दी से पीछे आइए, इन दोनों ने विकास सर को मार डाला।
यह सुनकर ड्राइवर ने बस बीच जंगल में रोक दी और वो पीछे भागते हुए आया। उसने पियून के हाथों से रॉड छीना और उसे धक्का दे दिया। तुम नहीं सुनोगे, इसलिए पहले मुझे तुम्हें ही मारना होगा, ड्राइवर गुस्से में पियून से बोला। और वो पियून के सर पर रॉड से हमला करता कि इससे पहले ही पियून ने कांच का नुकीला टुकड़ा तोड़कर ड्राइवर के पेट में घोंप दिया। ड्राइवर जोर से चिल्लाया और नीचे गिर गया कि तभी बस के बाहर से भीड़ की आवाज सुनाई देने लगी। रास्ते के बीचों बीच बस लगाई है इन्होंने, कोई तेजी से चलती गाड़ी इस बस से टकराई तो क्या होगा, बाहर निकालो इन लोगों को और सजा दो इन्हें, सजा दो। बस के बाहर से आवाज आई और बस पे पथराव होने लगा। पियून आगे की तरफ भागते हुए गया तो देखा कि 5-6 लोग बस पर पथराव कर रहे हैं। लोग गुस्से से चिल्लाने लगे, बाहर निकलो बुजदिलो, अंदर क्यों छुपकर बैठे हो, अरे क्या हुआ भाइयों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, पियून चीख चीख कर उनसे पूछ रहा था, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी श्याम श्रीकांत से बोला, ये लोग सिर्फ छलावा है, हम जंगल में रुके हुए हैं इसलिए हम मुसीबत में पड़ चुके हैं, विकास सर और ड्राइवर दोनों मर चुके हैं फिर भी हम छलावे से बाहर नहीं निकले, इसका मतलब छलावा अभी भी हमारे बीच में है और वो छलावा तुम्हारा मामा है। ये सुनकर श्रीकांत की आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है श्रीकांत, तुमने देखा कि किस तरह से तुम्हारे मामा ने विकास सर और ड्राइवर की जान ली, वो उन्हें सिर्फ घायल भी तो कर सकता था लेकिन नहीं, उसने उनकी जान ली। अब तो अपने मामा प्रेम से बाहर आओ श्रीकांत और देखो उस आदमी को, वो तुम्हारा मामा नहीं छलावा है। ये सुनकर श्रीकांत सोच में पड़ गया। श्रीकांत, लोग अभी बस के कांच तोड़कर अंदर आ जाएंगे और हमारी जान ले लेंगे, इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं बस को यहाँ से निकालता हूँ और तुम इस छलावे को पीछे बुलाकर इस कांच के टुकड़े से घोप दो, छलावा मर जाएगा और हमारी जान बच जाएगी, श्याम बोला और ड्राइविंग सीट की तरफ निकल पड़ा। लेकिन तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या? अरे मेरे मामा की ट्रैवल एजेंसी है इसलिए मैं बस पहले ही चलाना जानता हूँ, उसने कहा और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने बस चालू की और बस चलाने लगा। पियून पीछे श्रीकांत के पास जा पहुंचा। श्याम बहुत ही मन लगाकर बस को भगा रहा था कि तभी उसे पियून की चीख सुनाई दी। उसने मिरर में देखा तो पियून गले में हाथ लगा के नीचे गिर गया। श्रीकांत के हाथ में खून से सना कांच का टुकड़ा था, उसने अपने ही मामा को गला काट कर मार डाला था। श्रीकांत श्याम के पास आया, श्याम ने बस रोक दी। मैंने छलावे को मार डाला। ये सुनकर श्याम जोर जोर से हंसने लगा और उसकी आंखें लाल हो गई और वो डरावनी आवाज में बोला, लेकिन छलावा तो मैं हूँ। ये सुनकर श्रीकांत के तो होश उड़ गए। अरे चौंक क्यों रहे हो, मैं ही छलावा हूँ। जंगल में जब बस के आगे सुअरों का झुंड आया था तभी मैं बस में घुस गया था। मैंने बस में सबसे कमजोर और थका हुआ यात्री चुना। ये श्याम थकान के कारण गहरी नींद में सो गया था, मैंने इसे जगाया और मेरा असली रूप दिखाया। मेरा डरावना रूप देखकर ये उसी वक्त सीने पर हाथ लगाते हुए मर गया। मैंने तुरंत इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। तभी मैंने जाना कि पिछली सीट पर बैठा एक लड़का, मतलब कि तू, आधी नींद में था और टॉयलेट जाने के विचार में था और मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। मैंने बस में बैठे सभी को छलावे की कहानी सुनाकर डरा दिया, क्योंकि डर ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैंने जानबूझकर तुम सबको गुमराह किया और सुशील सर के गांव ले गया और तुम्हें छलावे में रुकने के लिए मजबूर किया और सुशील सर की जान ली। मैंने ही विकास सर, तेरा मामा और ड्राइवर को एक दूसरे से लड़ाया ताकि वो आपस में लड़ लड़ कर मर सके और आखिर में मैंने तुम्हारे हाथों से ही तुम्हारे मामा का खून करवाया। ऐसा कहकर वो हंसने लगा। यही मेरा खेल यानी कि शिकार थी, तूने अपने ही मामा की जान ली, उस मामा की जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपने जान पर खेलकर दो आदमियों की जान ली, अब तुम्हारा जी कर क्या फायदा। ये सुनकर श्रीकांत के आंखों में आंसू आ गए, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। श्रीकांत आओ बैठ जाओ इस ड्राइविंग सीट पे और ठोक दो इसे किसी पेड़ पे, ले लो खुद की और इन सभी यात्रियों की जान।
छलावा श्रीकांत की आंखों में देखकर बोला। शायद उन लाल आंखों का जादू श्रीकांत पे हो रहा था। वह छलावे की बातों में आ गया था, जैसे सुशील सर आ गए थे और खुद की जान लेने के लिए तैयार हो गए थे। शायद श्रीकांत को अपने किए का पछतावा हो रहा था और वो छलावे की बात मानने वाला था कि तभी श्रीकांत ने अपने आंसू पोंछे और वो जोर से चिल्लाया, मामा! छलावे को पीछे पैरों की आहट सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा कि तभी प्यून ने लोहे का रॉड छलावे के सर पे दे मारा और उसके सर पर 4-5 बार हमला कर उसका सर कुचल दिया। तुम्हें क्या लगा खेल केवल तुम ही खेल सकते हो? अरे मैंने तो तुम्हें तभी पकड़ लिया था जब तुम विकास सर और ड्राइवर की मौत देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम अपनी खुशी छुपा नहीं पाए तब मेरे दिमाग में तुम्हारी बातें आई। जानबूझकर तुमने हमें गुमराह करके छलावे में रोका और तुम्हारी वजह से सुशील सर की जान गई। तुमने मुझ पर ही छलावा होने का इल्जाम लगाया और मेरे मामा विकास सर और ड्राइवर के बीच आग लगा दी और बाद में तुमने मुझे ही मेरे मामा को मारने के लिए कहा। और हद तो तब हो गई जब तुमने कहा कि तुम्हारे मामा की ट्रैवल एजेंसी है जबकि श्याम का मामा तो हमारे कॉलेज के बाहर गोलगप्पे का ठेला लगाता है। श्रीकांत ने अपने मामा के हाथों से लोहे की रॉड ली और छलावे से बोला, अब तुम चैन से शिकार करने के लिए अगले अमावस की रात का इंतजार करो क्योंकि आज तुम खुद शिकार हो गए हो। और ऐसा कहकर उसने एक रॉड का वार उसके कुचले सर पे कर दिया और उसके शरीर से छलावा काले धुएं के रूप में बाहर निकला और बस के बाहर निकल गया। और जैसे ही छलावा बस से बाहर निकल गया सभी स्टूडेंट्स नींद से बाहर आ गए। आज पहली बार कोई अमावस छलावा किसी यात्री से हारा हुआ था। बस के ऊपर हवा में उड़ता हुआ छलावा दर्द से तड़पने लगा और चिल्लाते हुए हवा में दिखा दिया। उस छलावे को अपनी योनि से मुक्ति मिल गई क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि जब भी कोई छलावा इंसान से हारता है उसका अंत हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। आधी रात का समय था। एक गाड़ी हवा से बातें करती लोनावला की घुमावदार सड़कों पर दौड़ी चली जा रही थी। गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक चल रहा था और अंदर बैठे चारों नौजवानों अक्षय, रवि, आयशा और आदि ने अपने हाथ में एक एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ी हुई थी जिसमें उन्होंने शराब मिला रखी थी। शराब के नशे में झूमते हुए अचानक ही अक्षय ने गाड़ी में ब्रेक लगाया। अचानक ब्रेक लगने के कारण चारों को एक जोरदार झटका लगा और जैसे शराब का नशा एक झटके में चूर हो गया। घबराते हुए रवि, आदि और आयशा गाड़ी से बाहर निकल आए। क्या हुआ अक्षय, इतने जोर से ब्रेक क्यों लगा दिया? सब ठीक तो है ना? लगता है डिक्की खुली रह गई है। जा दी, तू चेक कर गया। कुछ नहीं हुआ बे, बस वैसे ही मजे ले रहा था। इसका बर्थडे है, इसे परेशान करना तो बनता है ना। तुम्हें अगर ज्यादा मस्ती सूझ रही है तो हटो, मैं ड्राइव करती हूँ। गाइस, मुझे लगता है अक्षय पीकर आउट हो चुका है। ए आयशा, चुप करके बैठना पीछे, बोला ना तुझे मजाक कर रहा था। आदि आ जाना यार, कुछ नहीं है डिक्की में, बैठ जल्दी। आशा के बुलाने पर आदि भी आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और अक्षय वापस से गाड़ी स्टार्ट कर देता है। यार, 100 की स्पीड में भागती गाड़ी में तूने ब्रेक लगा दिया। अगर गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती तो अभी इन वादियों में भूत बनकर घूमते अपन लोग हैं। यार प्लीज, ऐसा करो किसी लॉज पर गाड़ी रोक दो, हम लोग सुबह निकलेंगे। अब तेरी क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार, तुम सबको चढ़ गई है, अपने होश में नहीं हो तुम लोग। इस तरह लॉन्ग ड्राइव पर जाना सही नहीं है और तुम लोग अभी इस हाईवे के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं हो। यार तेरा ही बर्थडे मनाने जा रहे हैं, तू सारा मजा मत खराब कर। अच्छा बता, क्या प्रॉब्लम है इस हाईवे में? यार मैंने बोला ना ये रास्ता सही नहीं है, यहाँ के लोकल्स का कहना है कि आगे पहाड़ी पर अक्सर रात में एक्सीडेंट होते हैं। क्या बकवास है ये, एक्सीडेंट किस रोड पर नहीं होते हैं? इसमें क्या नई बात है? होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पर वजह कुछ और होती है। बस तू यू टर्न लो और पीछे चलो। अब तो तूने चैलेंज कर दिया भाई को, अब गाड़ी नहीं रुकने वाली। आदि के लाख रिक्वेस्ट करने पर भी अक्षय ने फिर से गाड़ी का गियर बढ़ाया और एक बार फिर से उनकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। आदि की बातें भूलकर बाकी के दोस्त भी अंग्रेजी गाने की धुन पर आंख बंद करके थिरक रहे थे, लेकिन आदि अभी भी अक्षय के साथ आगे की सीट पर थोड़ा सिकुड़ा सहमासा बैठा हुआ था। रात का सन्नाटा हर गुजरते पल के साथ गहराता जा रहा था। रात के तकरीबन 2 बज गए थे। पीछे की सीट पर बैठे बैठे रवि अब झपकियां लेने लगा था। तभी एक बार फिर से अक्षय ने जोरदार ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी जाकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। अक्षय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या?
ये क्या मजाक लगा रखा है बार बार। अब तुम चुपचाप ड्राइविंग सीट से उतरो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे यार कोई मजाक नहीं है, मेरी गाड़ी के सामने अभी अभी ना जाने कहाँ से एक लड़की आ गई थी। अच्छा तो अब कहाँ गई वो लड़की, मुझे तो यहाँ कोई लड़की नजर नहीं आ रही। मेरा यकीन करो आयशा, गाड़ी के सामने एक लड़की थी, उसे देखकर ही मैंने ब्रेक लगाया तो गाड़ी डिसबैलेंस होकर इस पेड़ से जा टकराई। ट्रस्ट मी मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। रात के 2 बज रहे हैं, इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर कोई लड़की क्यों घूमेगी। और अगर तुम्हारी बात मान भी ले कि यहाँ कोई लड़की थी तो अब वो लड़की कहाँ है। आदि तुम तो अक्षय के साथ ही बैठे थे ना, तुम्हें कोई लड़की दिखाई दी। मुझे तो कोई लड़की दिखाई नहीं दी, पता नहीं अक्षय क्या कह रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई, समझ लो हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा है अभी। आदि आयशा और अक्षय गाड़ी से नीचे उतर कर बातें कर रहे थे और रवि सब कुछ अनसुना करके चैन की नींद सो रहा था। इसे देखो अभी गाड़ी खाई में गिर जाती तो ये सोते सोते कुंभकर्ण ऊपर पहुंच जाता, इसीलिए बोलती हूँ लिमिट में पिया करो। हाँ तू सही कह रही है, शायद मुझे चढ़ गई है, मैं पीछे बैठता हूँ, अब तू ड्राइव कर ले। ना बाबा ना, अब तो मेरी आंखें नींद से भरी हो रही हैं, तू ही चला गाड़ी, लेकिन अब ध्यान से चलाना। अक्षय एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आयशा पीछे बैठकर झपकियां लेने लगी। कुछ देर बाद, यार आदि मुझे ऐसा लग रहा है हम बार बार उसी रास्ते पर आ रहे हैं, सब गोल गोल घूम रहा है यहाँ, वही पेड़ वही पहाड़, मुझे सच में चढ़ गई है क्या यार, तू एक बार लोकेशन चेक करना। भाई पहाड़ एक जैसे ही होते हैं, इसमें क्या अलग होगा। आदि अपना मोबाइल निकालता है लेकिन मोबाइल में कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। यार मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं है। तभी अक्षय को गाड़ी की लाइट्स में सामने एक आदिवासी पहनावे वाली लड़की दिखाई देती है। लगता है मुझे फिर से वहम हो रहा है, अगर अब मैंने ब्रेक लगाया तो ये सब मिलकर मुझे ही पहाड़ से नीचे फेंक देंगे। अक्षय लड़की की ओर गाड़ी बढ़ाने लगता है। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा, सामने कोई लड़की है, उसे गाड़ी से उड़ा ही देगा क्या। आदि की बात सुनकर अक्षय लड़की से कुछ दूरी पर ही गाड़ी रोक देता है। अक्षय अचानक ये लड़की कहाँ से आ टपकी, चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बाहर मत निकलना। अरे यार बहुत घबराई हुई लग रही है और रात भी हो रही है, देखने तो देख क्या बात है। मैं बोल रहा हूँ ना ये रास्ता सही नहीं है यार, यहाँ पर अक्सर लोगों को छलावा लग जाता है। तो फिर शुरू हो गया। तभी वो लड़की दौड़ते हुए उनकी गाड़ी के पास आ जाती है। मुझे भूलनपुर तक छोड़ दो साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या बात है, डरी हुई क्यों लग रही हो। साहब वो लोग मेरे पीछे लगे हैं, आप बस जल्दी से यहाँ से चलो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लड़की की बात सुनकर अक्षय गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और लड़की आकर आयशा के बगल में बैठ जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज तो मैं बाल बाल बची हूँ। आपको पता नहीं है साहब, इतनी रात गए इधर निकलना सही नहीं है, यहाँ रात गए अपने शिकार की तलाश में छलावा घूमता है। कहते हैं जिसके ऊपर छलावा की नजर पड़ जाए फिर वो नजर बांध देता है, उसके बाद आप वही देखोगे जो वो आपको दिखाएगा। लेकिन तुम भाग क्यों रही थी, कौन था तुम्हारे पीछे। साहब मैं छलावा के पकड़ में आ गई थी, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। लड़की अभी अपनी कहानी सुना ही रही थी कि सामने से कुछ लोग मशाल लेकर सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। अरे ये लोग ऐसे सड़क घेर कर क्यों खड़े हो गए हैं, कौन है ये लोग। ओ शिट, हॉर्न बजा जल्दी। इन लोगों पर हॉर्न का कोई असर नहीं पड़ रहा यार, एक तक घुरे जा रहे हैं और अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हो रहे हैं, मुझे तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। क्या करूं, पतली सी सड़क है, अगर ये सामने से नहीं हटे तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी, गाड़ी रोकते ही कहीं इन्होंने हम पर हमला कर दिया तो। साहब ये आदमी नहीं है, आप बस गाड़ी मत रोकना, अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो अच्छा नहीं होगा, हम में से कोई नहीं बचेगा। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं उन पर गाड़ी चढ़ा दूं। नहीं नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अक्षय की गाड़ी धीरे धीरे उस भीड़ के नजदीक पहुंच रही थी, भीड़ में खड़े लोगों के हाथों में जलती हुई मशाल और लाठी डंडे दिखाई पड़ रहे थे, इसके साथ ही उनके चेहरे पर गुस्सा भी साफ साफ देखा जा सकता था। जैसे ही गाड़ी उस भीड़ के नजदीक पहुंचने को हुई, अचानक ही अक्षय को दाईं ओर एक मोड़ दिखाई दिया और उसने गाड़ी उधर ही घुमा दी। अब गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर दौड़ती चली जा रही थी। अचानक ही आशा की नींद टूट जाती है। अरे यार ये लड़की कौन है और ये कहाँ आ गए हम लोग। यार आयशा हम अपनी आंखों से छलावा देखकर आ रहे हैं, बस लास्ट मोमेंट पर अक्षय ने इस रोड पर गाड़ी घुमा ली, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता, मुझे तो अभी तक सोच सोच कर ही घबराहट हो रही है।
ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग अभी एग्जैक्टली है कहाँ, कुछ पता है? आशा के इतना कहते ही अक्षय को सड़क पर एक बोर्ड दिखाई देता है। ये देख, सामने बोर्ड पर लिखा है लोनावला 60 किलोमीटर। लो, हम तो बस एक घंटे में लोनावला पहुँचने वाले हैं। लेकिन लोनावला पहुँचने में तो 8 घंटे लगते हैं ना, इतनी जल्दी हम लोग लोनावला कैसे पहुँच सकते हैं? आखिर ये कौन सा रोड है जो इतनी जल्दी वहाँ पहुँचा रहा है? वेट वेट वेट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी ये ट्रिप कुछ अनयूजुअल सी हो गई है? रवि सोए ही जा रहा है, इतना कुछ हो गया लेकिन इसकी नींद ही नहीं खुल रही है। आधी रात को तुम्हें ये लड़की मिल जाती है, फिर ये पता नहीं कौन सा नया रास्ता मिल जाता है, और अब तुम कह रहे हो लोनावला बस 60 किलोमीटर बचा है। आई कांट बिलीव इट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। क्या यार आयशा, तू तो मजे से नींद में झपकियां ले रही थी ना, अगर तूने वो मशाल और हथियार वाले लोग देखे होते तो तुझे भी यकीन हो जाता। अक्षय ने जो उस मोमेंट पर किया वो सही किया, कुछ अनयूजुअल नहीं है। मैं अक्षय को गलत नहीं बता रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये रास्ता सही है। आयशा आदि और अक्षय के बीच बहस चल रही थी कि उन्हें सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई देता है। चलो इस ढाबे पर उतरकर पता करते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। नहीं नहीं साहब, मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगी, आप लोग जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ पर नहीं उतरना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है इस पहाड़ी रास्ते पर कोई ढाबा नहीं है, फिर ये ढाबा अचानक कहाँ से आ गया? अरे यार चलो ना, तुम लोग हर काम बिगाड़ते क्यों रहते हो? कुछ खाने को मिल जाए तो ले लेंगे, फ्रेश भी हो लेंगे। ये रवि तो उठ ही नहीं रहा है, इसके लिए भी कुछ पैक करा लेंगे। आदि और अक्षय के कई बार समझाने पर भी आयशा और वो लड़की गाड़ी से उतरने के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए वो दोनों ही ढाबे के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर अक्षय सिगरेट सुलगा लेता है। आदि सिगरेट पिएगा? दूर रख इसे, पहले ही शराब पी रखी है, ऊपर से ये सिगरेट। पागल मत बन अक्षय, तुझे गाड़ी भी चलानी है। अरे वो तो कब की उतर गई भाई। कोई है? अरे भाई कुछ मिलेगा खाने के लिए? अक्षय के कहीं बाहर आवाज लगाने पर एक रहस्यमय सा दिखने वाला आदमी अंदर से बाहर आता है। अब कुछ खाने के लिए है? अक्षय की बात सुनकर वो आदमी एक प्लेट में दाल चावल निकाल कर उसकी ओर बढ़ा देता है। छी, ये कैसा खाना है, इसमें तो कीड़े रेंग रहे हैं। खाओ चुपचाप, हम भी कई दिनों से भूखे हैं। अब तुम आ गए हो, अब हमारी भूख भी मिट जाएगी। उस आदमी की रहस्यमयी बातें सुनकर अक्षय बहुत घबरा जाता है। अक्षय उस आदमी को धक्का देकर वहां से भागते हुए गाड़ी की तरफ आ जाता है। आदि चल यहां से, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहां रुकना सही नहीं है। कहां तक भागोगे, वो तुम तक पहुंच चुका है, चल चुका है तुम्हें, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। अक्षय और आदि हाँफते हुए वापस गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठ आदि, हम अभी भी छलाव में हैं, और उस आदमी ने अभी अभी हमसे कहा कि वो हम तक पहुँच कर हमें छल चुका है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि छलावा हम में से ही कोई एक हो? अबे क्या बकवास कर रहा है, क्या नई कहानियां बना रहा है अब तू? अरे तू तो पूरे रास्ते सो रहा था ना, तुझे नहीं पता हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तू चुप रह, ये ढाबा भी एक छलावा ही था, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सच है क्या भ्रम। एक मिनट रवि, इतनी बार गाड़ी रुकी, इतना शोरगुल हुआ, तेरी नींद कैसे नहीं टूटी? तू रवि ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही छलावा हो? सोचो गाइस, पूरे रास्ते इसने हमसे कोई बात नहीं की है। ए, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हा? मुझे तो लगता है ये लड़की ही छलावा है। आधी रात को सड़कों पर लड़कियां नहीं प्रेत घूमती हैं। मेरी मानो तो इसे पहाड़ से नीचे धकेल कर छुटकारा पाओ इससे, देखना उसके बाद सब सही हो जाएगा। पागल मत बनो, मैं एक इनोसेंट लड़की को ऐसे कुछ भी करने नहीं दूंगा। मुझे तो लगता है साहब, ये आदि सर ही छलावा है, यही हमें ढाबे में ले जाने के लिए पीछे पड़े थे, ये सब इनकी ही चाल है। अरे बस करो तुम सब के सब, ये क्या तमाशा शुरू कर दिया? तुम चुप करो अब, मैं अभी मरना नहीं चाहती। सबसे पहले तो मैं इस लड़की का काम तमाम करूंगी, मुझे भी लगता है कि ये लड़की ही गड़बड़ है। आशा अपने बगल में बैठी उस आदिवासी लड़की का गला दबाने लगती है। आशा को उस लड़की का गला दबाते देखकर अक्षय गाड़ी रोक देता है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। इस लड़की के लिए मैं अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। तभी रवि गाड़ी में रखी लोहे की रॉड उठाकर उस लड़की के सर पे दे मारता है। ये क्या कर दिया तूने? बस खत्म हो गई प्रॉब्लम, इसकी बॉडी को गाड़ी से बाहर फेंको और आगे बढ़ो। लड़की को मारने के बाद वे लोग उसकी बॉडी को गाड़ी से नीचे उतार रहे होते हैं।
कि तभी दूसरी ओर से कुछ गांव वाले मशाल लेकर उनकी ओर दौड़ते दिखाई पड़ते हैं। ये तो वही लोग हैं ना जिसे ये लड़की छलावा बोल रही थी। इसका मतलब छलावा अभी भी हमारे आसपास ही है। जल्दी चलो यहाँ से। वे चारों घबरा कर फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं। देखो सुबह होने में बस एक ही घंटा बाकी है। हमारे बीच जो भी छलावा है वो अगले एक घंटे में हम सबको अपने साथ ले जाएगा। हमें उसके बारे में पता लगाकर उसे खत्म करना होगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। काम डाउन, ये जो कुछ भी है इसने हमारी सोचने की शक्ति को खत्म कर दी है। हम लोग एक भ्रम में हैं। क्या सच है क्या झूठ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो हमें इमोशनली ब्रेक कर रहा है ताकि हम पर काबू कर सके। तू अपना प्रवचन अपने पास रख, मैं तुम तीनों को ही खत्म कर दूंगा, तो छलावा के बचने का कोई चांस भी नहीं रहेगा। तू मुझे भी मार देगा रवि, तू तो मुझसे प्यार करता था ना। शट अप, मुझे यहाँ से जिंदा अपने घर जाना है बस। इससे पहले कि रवि आयशा को मारता, आयशा अपने गले में पहने हुए स्कार्फ से रवि का गला घोटने लगती है। तू ही है वो राक्षस, तुझे ही खत्म कर देती हूँ, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आयशा और रवि के बीच होती हाथापाई को देखकर अक्षय अचानक से अपनी सीट के पास रखी बियर की बोतल को आदि के सर पर दे मारता है। उस फूटी हुई बोतल से ही अक्षय आदि के ऊपर एक के बाद एक कई सारे वार कर देता है। अक्षय के आदि पर हमला कर देने से अचानक ही आदि का चेहरा बदलने लगता है और वो एक खौफनाक चेहरे वाले प्रेत में बदल जाता है। आदि का चेहरा बिल्कुल काला हो गया था और उसके बदन पर कपड़े भी पुराने और फटे दिखाई दे रहे थे। हैरानी से अक्षय की ओर घूरते हुए वो जोर से चिल्लाया, नहीं ये नहीं हो सकता, आज तक मेरे भ्रम जाल से निकलकर कोई बाहर नहीं आ पाया है। तुझे कैसे पता चला कि मैं ही छलावा हूँ? पिछले काफी देर से मैं आज रात की सारी घटनाओं की कड़ियां आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तुझे पहले ही पता था कि हम तेरा बर्थडे मनाने लोनावला जा रहे हैं। घर से तो तू खुशी खुशी हमारे साथ आ गया था, लेकिन जैसे ही ये पहाड़ी हाईवे स्टार्ट हुआ तू कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगा। पहले तूने कई बार मुझे यू टर्न लेने को कहा, जबकि तू जानता था उस रोड पर आगे 10 किलोमीटर तक कोई यू टर्न नहीं है। उसके बाद उस लड़की को लिफ्ट देने से मना करना, अचानक से छलावे की कहानी सुनाने लगना, जबकि तू तो इन बातों को कभी मानता ही नहीं है। वो गांव की लड़की ठीक कह रही थी, तू ही मुझे जानबूझकर उस ढाबे में ले गया था, लेकिन मैं वहां से बचकर किसी तरह निकल आया। मेरे सिगरेट के लिए पूछने पर तूने मेरा हाथ जब झटका वो मुझे बहुत अजीब लगा था। और सबसे जरूरी बात, रवि तो पूरे रास्ते गाड़ी से उतरा ही नहीं था। इसीलिए जब आयशा रवि को मारने लगी तो मैंने तेरी तरफ नजर घुमाकर देखा, तू अपनी सीट पर बैठा बड़े आराम से मुस्कुरा रहा था। कोई दोस्त अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर हंस नहीं सकता। मैं समझ गया कि छलावा तू ही है और कोई नहीं। मूर्ख हो तुम सब, मैंने तुम्हें समझने के लिए कितने मौके दिए लेकिन तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहे। मैंने तुम्हें बताया था छलावा जो चाहेगा तुम बस वही देखोगे। मैंने तुम लोगों की नजर और दिमाग को बांध रखा था। गांव के लोग उस लड़की को नहीं मुझे पकड़ने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि गाड़ी मत रोकना। मैंने ही तुम्हें वो ढाबा दिखाया ताकि तुम सब वहाँ नीचे उतर जाओ और मैं अपना शिकार कर लूं। लेकिन ये आयशा बहुत चालाक है, इसने गाड़ी से उतरने से मना कर दिया था, इसलिए मैं वहाँ शिकार करने से चूक गया। बस कुछ देर की बात और थी, इस रवि के मरते ही तुम दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते और एक दूसरे को मार डालते और मेरी जीत हो जाती। अगर ये आदि नहीं है तो हमारा आदि कहाँ है? तुम्हारा आदि तो उसी जगह मेरा शिकार बन गया था जब पहली बार तुम सब गाड़ी से उतर कर इस अक्षय से झगड़ा कर रहे थे और वो गाड़ी की डिक्की चेक कर रहा था। अक्षय मार इसको, छोड़ना मत, उसने हमारे आदि को मार डाला, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सुबह के 4 बज चुके हैं, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर वो छलावा वहां से गायब हो जाता है। जन्मदिन के दिन ही अपने दोस्त को खोने के गम ने उन सबको तोड़ कर रख दिया था। उस रात छलावे से उनकी जान तो बच गई थी लेकिन अपने दोस्त को खोने का गम जीवन भर उनके सीने पर बोझ बनकर उन्हें सहलाता रहा।